उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले से शुभम उपाध्याय जी हैं, भारद्वाज गोत्र है। इनका प्रश्न है श्रीमद् देवी भागवत से संबंधित। वे कह रहे हैं कि आचार्यवर सादर प्रणाम, भगवान देवी भागवत के नवान्न पारायण की विधि क्या है तथा इसे किस किस अध्याय पर विश्राम करने की अनुमति है शास्त्रों में, इसको आप विधि पूर्वक बतलाएंगे तो मुझ पर बड़ी कृपा होगी, ऐसा इनका प्रश्न है। देखिए, श्रीमद् देवी भागवत और श्रीमद् भागवत ये दोनों मिलकर के ही भागवत पुराण एक संख्या है। यद्यपि 18 पुराण, 18 उपपुराण और 18 औप पुराण हैं और कुछ और भी हैं, ये हमारे यहाँ प्रामाणित है, बिल्कुल प्रामाणिक रूप से ये पुराणों की परिगणना है। यहाँ श्रीमद् भागवत में पुराणों की गणना है तो वहाँ श्रीमद् देवी भागवत की चर्चा नहीं है, क्योंकि वो भागवत आ गया तो देवी भागवत आ गया। और जहाँ देवी भागवत में पुराणों की परिगणना है तो वहाँ श्रीमद् भागवत की चर्चा नहीं है, क्योंकि वो देवी भागवत आ गया तो श्रीमद् भागवत आ गया। तो ये मिलकर के ही एक हैं, ऐसा विद्वानों का मानना है। श्रीमद् देवी भागवत में भी वही श्रीमद् भागवत की तरह है, स्कंद और अध्याय आदि की पाठ की विधि है और इसी तरीके से विभाजन भी है। श्रीमद् देवी भागवत का जो है मुहूर्त दिया गया है श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य में ही, इसका महात्म्य 5 अध्यायों में प्रारंभ में है, जिसमें बताया गया है कि ब्रह्मचर्य से रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, भूशयन करें, सत्यवादी और संयम पूर्वक तद्दौरान जो है रहें, भोजन में बेगुण यानी बैगन वृंताक का भक्षण जो है कथा वृत्ति को नहीं करना चाहिए, कथा श्रवण करता और कथा वाचन करता को भी, दाल बहेड़ा मधु और निकृष्ट जो भी हैं वो समस्त निकृष्टों का निषेधों का परिवर्जन होना चाहिए। जैसे गाजर है, प्याज है, हींग है, इसको भी श्रीमद् देवी भागवत के पाठ में वर्जित किया गया है। कुम्हेड़ा यानी पेठा कद्दू आदि ये भी निषिद्ध है। नलिका जैसे कमल के नाल की जो है सब्जी बनाते हैं वो भी नहीं ग्रहण करना है। देवी भागवत के समय पर नित्य प्रति कन्या पूजन अनिवार्य है। कन्या पूजन में नित्य प्रति एक कन्या अथवा एकोत्तर वृद्धि से, पहले दिन एक, दूसरे दिन दो, तीसरे दिन तीन, चार, ऐसे 9 दिन तक 9 कन्याओं का पूजन हो। वे कन्याओं का पूजन जिनका होगा वे कन्याएं 1 वर्ष से बड़ी हों और 9 वर्ष तक की हों तो उनका पूजन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसमें भी फिर अलग अलग कामना से अलग अलग जो वर्ण वाली कन्याओं को लिया गया है, तो इनमें ब्राह्मण कन्या सबसे श्रेष्ठ बतलाई गई हैं। 9वें दिन जैसे गायत्री सहस्र नाम का जो है पाठ होना चाहिए अथवा विष्णु सहस्र नाम का पाठ होना चाहिए, इससे जो भी न्यूनता है उसकी पूर्ति होती है। और दुर्गा सप्तशती से अथवा नवारण मंत्र से अथवा गायत्री मंत्र से श्रीमद् देवी भागवत का हवन करना चाहिए। कथा के दौरान या पाठ के दौरान सप्तशती का भी पाठ हो, कुछ ब्राह्मण सप्तशती का पाठ करें
और समर्थ होने पर एक ब्राह्मण जो है गायत्री मंत्र का जप करें, एक ब्राह्मण जो है विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और एक जो है ये दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, ये भी इसमें लिखा हुआ है। देवी भागवत में प्रारंभ में ही गायत्री छंद से प्रारंभ होता है, इसलिए ये सुस्पष्ट है कि श्रीमद् देवी भागवत संपूर्ण गायत्री मंत्र की ही व्याख्या है, उसमें गायत्री मंत्र का ही सांगोपांग वर्णन किया गया है। देखिए इसके प्रारंभ में संकल्प करे कर्ता कि मैं ये प्रायश्चित पूर्वक ये कार्य करूंगा, तो उसमें सबसे पहले स्वस्थ पुण्यावाचन, मातृका स्थापन, षोडश मातृका और सप्तकृत मातृकाओं का पूजन तथा नांदी श्राद्ध, आयुष मंत्र पूर्वक और नवग्रहों का पूजन, पंचदेवों का पूजन और तत्पश्चात भगवती का यथा लब्धोपचार सर्वतोभद्रमंडल पर विराजमान स्वर्णमयी प्रतिमा में करना चाहिए। वक्ता का पूजन, कन्याओं का पूजन ये करके और फिर इसका पाठ आरंभ करें। कथा रूप में या जो है वाचन, पाठ आदि, तो श्रीमद् देवी भागवत का पाठ प्रथम दिन महात्म्य का भी पाठ करके तृतीय स्कंद के तृतीय अध्याय तक चलना चाहिए। इसमें 35 अध्याय लगभग होते हैं और द्वितीय दिन चतुर्थ स्कंद के अष्टम अध्याय पर्यंत, इसमें भी 35 अध्याय हैं और तृतीय दिन पंचम स्कंद तक अष्टम अध्याय तक, इसमें भी लगभग 35 अध्याय हैं और चौथे दिन भी 35 अध्याय हैं, परंतु चौथे दिन षष्ठ स्कंद के अष्टादश 18वें अध्याय तक पाठ को पूर्ण करें और पांचवें दिन सप्तम स्कंद के अष्टादश अध्याय तक 18वें अध्याय तक पाठ जाएगा। इस दिन केवल 31 अध्याय हैं और छठे दिन अष्टम स्कंद के सप्तदश अध्याय यानी 17वें अध्याय तक पाठ पूर्ण करें, इसमें 39 अध्याय हैं और सातवें दिन नवम स्कंद के 28वें अध्याय तक, इस दिन भी 35 अध्याय हैं और आठवें दिन दसम स्कंद के त्रयोदशवें अध्याय तक पाठ पूर्ण करना चाहिए, इसमें भी 35 अध्याय हैं और नौवें दिन जो कि अंतिम दिन है इसमें जो है द्वादश स्कंद की समाप्ति पर पूरा पाठ कर दिया जाएगा, इसमें 38 अध्याय हैं। ये श्रीमद् देवी भागवत के विश्राम स्थलों का निर्देश किया गया है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत का, देवी भागवत का पाठ एवं विधिपूर्वक कथा श्रवण, श्रोता वक्ताओं को कथा कथन और श्रवण के नियमों का पालन करते हुए श्रीमद् देवी जी का पूजन अर्चन वंदन करते हुए और कथा पर विशेष ध्यान रख करके श्रवण मनन एवं निधिध्यासन करते हुए सर्वम देवीमयं जगत, जो भी संसार में है वो सब देवीमय है, भगवत रूप है, भगवती रूप है, ये विचार करते हुए और सब कुछ तन्मय भगवतीमय देखते हुए ये कथा श्रवण करें तो इसका महान फल होता है। और भी जो भी कथा वक्ता श्रोता के नियम हैं उनका पालन किया जाए। हर हर महादेव।